साल भर के बाद पप्पा वापस आए और लोगों ने उनके स्वागत में मोदक फूलों से लेकर सोना चांदी तक लगा दिया। पूरा देश जश्न में डूबा रहा। मुंबई हो या फिर बिहार का पटना, हर ओर गणेश जी की धूम दिखाई दी। मुंबई का साइना में बना पंडाल इसी वजह से आकर्षण का केंद्र बना रहा। दरअसल यहाँ बप्पा की मूर्ति को 70 किलो सोने से सजाया गया। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी गणेश चतुर्थी की धूम दिखाई दी। वहीं अगर बिहार के पटना की बात करें तो वहां भी गणेश जी की धूम दिखाई दी। पटना के दरोगा रायपथ पर गणेश पूजन किया गया। दरअसल महाराष्ट्र मंडल संस्था पिछले 50 से 55 सालों से गणेश जी की मूर्ति को बिठा रहे हैं। हर बार मूर्ति 5 फीट की हुआ करती थी, लेकिन इस बार 6 फीट की बनाई गई। मुकुट में नवरत्न लगाए गए। दरअसल ये मूर्ति मुंबई से मंगवाई गई थी। इनका मानना है कि पटना से मुंबई जाकर लाल बाग के राजा का दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए महाराष्ट्र मंडल के सदस्यों ने प्रण लिया है कि हर साल हम लोग बप्पा की मूर्ति बैठाएंगे और पटना में महाराष्ट्र मंडल की ओर से दर्शन कराए जाएंगे। पटना और मुंबई के अलावा नागपुर के टेकड़ी गणेश मंदिर और पुणे के दड़कुटेश हलवाई गणपति मंदिर में गणेश चतुर्थी का जश्न देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में बप्पा के दर्शन को कतारें लगाए खड़े रहे। सड़कों पर रंग और संगीत में डूबे भक्त जोश के साथ बप्पा का स्वागत करते दिखे। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।